खरगोन जिले के रोम चिचली मार्ग पर करीबन 20 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक केदार डावर ने अपने उद्बोधन में बताया कि मेरे कार्यकाल में मैंने इस गांव को 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी। मेरे द्वारा इस गांव को गंदगी से मुक्त कराया, वहीं बाईपास रोड, सीसी रोड, पंचायत भवन, अमृत सरोवर, पेयजल व्यवस्था के साथ बेजापुरा मार्ग का निर्माण की मंजूरी भी मेरे द्वारा करवाई गई है। ज्ञात रहे कि क्षेत्र में उद्घाटनों को लेकर ग्राम में चर्चाओं का बाजार गर्म है। भाजपा समर्थित सरपंच एवं उनके पति विधायक मत से मंजूर कार्यों का उद्घाटन सांसद से करवा करके श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं इन्हीं बातों को लेकर विधायक मत की राशि से बने भवन के उद्घाटन समारोह में सरपंच सचिव नहीं पहुंचे, जबकि उद्घाटन के समय सचिव वहां आ चुका था, परंतु दबाव के कारण वापस चले गए। ज्ञात रहे अभी तक बरूड के विकास में विधायक मत से लाखों रुपए मंजूर होकर विकास कार्य सुचारू चल रहा था, परंतु इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आने लग गई है। वह सांसद के द्वारा अभी तक बरूड ग्राम में विकास के नाम पर 0/0 राशि प्राप्त हुई, जो ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना है। अब देखना यह है कि विकास का पहिया भाजपा की सरकार में रुकता है या चलता है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। पंचायत भवन का आप लोकार्पण करने आए और सरपंच सचिव यहाँ पे उपस्थित नहीं है, क्या कारण होगा? निश्चित तौर पे आज ये 20 लाख के पंचायत भवन का आज बरूड में जो 15 स्थिति राशि से 21 22 से दिया था हमने जिला पंचायत, भवन बन के कई दिनों से तैयार था, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं होने से यहाँ पे जो एक लोगों को जन सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल पा रही थी, आज उसका लोकार्पण किया गया। 3 दिन पहले जनपद सीओ को हमने बता दिया था कि 3 बजे 6 तारीख को ये भूमि पूजन लोकार्पण करना है, कि आवश्यक व्यवस्था है, क्योंकि ये पंचायत ने सारी व्यवस्था की है, उसके बाद वो अनुपस्थित रहे हैं। कहीं ना कहीं कारण हो सकता है या गांव में अच्छे कामों के लिए उनकी जन भागीदारी नहीं चाह रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, होना चाहिए, या हो सकता है उनकी कोई इमरजेंसी हो, इस कारण यहाँ नहीं आए हो। सर, आज पंचायत भवन के लोकार्पण के अलावा और क्या क्या सौगातें दी आपने क्षेत्र को? क्षेत्र में कई दिनों से, बरसों से बरूड से बेजापुरा जो मार्ग है, सारे बरूड के और बेजापुरा के किसान उस एरिया से निकलते हैं, उस क्षेत्र से निकलते हैं, रास्ता नहीं होने से उनकी फसल लाने के लिए, उनकी मवेशियों को भेजने के आने जाने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उस मार्ग का पिछले दिनों हमारे क्षेत्र के प्रमुख लोगों ने मुझे मोटरसाइकिल से इस क्षेत्र में घुमाया था, टिंगू भाई वगैरह और लोग थे, और ये इस समस्या से अवगत कराया था। उस मार्ग को लगातार पीछे लग के सरकार से स्वीकृत कराया और आज वो उस मार्ग का भूमि पूजन भी किया, जो लगभग 4 महीने में पूरा होगा, बनके डामर होगा और किसानों को और क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिला। सर, कुछ समय पहले आपके द्वारा ये हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।